नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आउटपुट डिवाइस का डिस्कशन करेंगे। अभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पीछे बात की और हम RSCIT की जिस बुक का अध्ययन कर रहे हैं वो वर्धमान ओपन जो कोटा विश्वविद्यालय है उसने जारी कर रखी है, उसका चैप्टर नंबर हम आज दूसरा डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर के कुछ पॉइंट, कुछ बिंदुओं के बारे में हमने बातचीत कर ली थी। आज हम उसी बिंदुओं में, उसी कड़ी में आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो दो प्रकार से हम उन आउटपुट डिवाइस को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला ऐसा जो हमें कौन सा आउटपुट देता है दोस्तों, जो हमें देता है सॉफ्ट कॉपी। कौन सा आउटपुट देता है? सॉफ्ट कॉपी देता है। और एक होता है जो हमें कौन सा आउटपुट देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। अगर हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर ऐसा कर सकता है, प्लॉटर ऐसा कर सकता है। सॉफ्ट कॉपी अगर आउटपुट की डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि ऐसा आउटपुट जो हमें स्क्रीन पर दिखता है, जो हम कहें कि टेम्परेरी आउटपुट होता है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और ऐसा आउटपुट जो परमानेंट होता है, जिसे हम कंप्यूटर बंद करने के बाद भी यूज कर सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं, या उस आउटपुट को हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। साथियों, अगर मॉनिटर की बात करें तो जैसे हमने देखा था कि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, वैसे ही मॉनिटर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। विद्यार्थियों, इस मॉनिटर को हम बोल सकते हैं VDU। क्या बोल सकते हैं? VDU। और VDU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल, और D को बोलते हैं हम लोग डिस्प्ले, और U को बोलते हैं यूनिट। यानी VDU को हम बोल सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी जो मॉनिटर होता है उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट का नाम दे सकते हैं। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो हमें एक और चीज पता होनी चाहिए। क्या? आप सभी लोग स्क्रीन पर देखो, थोड़ी बातचीत करते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि आपके घर में टीवी है। कुछ लोग टीवी नहीं कहते, हमारे तो LED लगा हुआ है। जिसके LCD लगा होता है उसे भी बोल दो ना कि टीवी है, कि नहीं LED लगा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा टीवी होता है, LED होता है, वो दिख रहा है स्क्रीन पर वैसा होता है या इस तरह का सिस्टम होता है? तो उस टीवी पर ऐसे छोटे 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 क्या बताए होते हैं, डॉट। इन डॉट या बिंदु को हम पिक्सल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिक्सल। और इन पिक्सल के बीच की दूरी होती है, उस बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? इस बीच की दूरी को हम डॉट पिच के नाम से जानते हैं। सवाल पूछा जाता है कि जो मॉनिटर होता है, जो हमारा टीवी होता है, उसकी स्क्रीन पर जो छोटे छोटे बिंदु बने होते हैं, डॉट बने होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उसे कहेंगे कि सर, हम उसे जानते हैं पिक्सल के नाम से या डॉट के नाम से। पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी ना, आउटपुट उतना ही क्या दिखेगा दोस्तों? क्लियर दिखेगा। अच्छा, दो पिक्सल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है। अब जनरल सी बात मुझे ये बताओ कि डॉट पिच कम होने पर आउटपुट सही दिखेगा या ज्यादा होने पर? कम होने पर। डॉट पिच कम होगी, यानी दो पिक्सल के बीच की दूरी कम होगी, तो उसका फायदा क्या मिलेगा? जैसे ही दो पिक्सल के बीच की दूरी कम होगी, इसका मतलब ये हुआ कि पिक्सल की संख्या क्या हो गई? ज्यादा। और पिक्सल की संख्या ज्यादा होने पर क्लियर आउटपुट दिखाई देता है। या कुछ बात क्लियर। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो मॉनिटर होता है हमारा, वो 32 इंच का है, 44 इंच का है, 100 इंच का है, वो कैसे पता होता है? तो उसे पता करने का तरीका ये होता है, इसे हम कहते हैं डायगोनल या विकर्ण। क्या कहते हैं? डायगोनल या विकर्ण कहते हैं। ऐसे वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ऐसे वाली लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? वर्टिकल। रोड की तरह रो, खंबे की तरह कॉलम, और रोड की तरह हॉरिजॉन्टल और खंबे की तरह वर्टिकल लाइंस रहती है। दोस्तों, यहां हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं कि जो हमें इस बुक में दे रखा है उसको भी हम ऐड करते हैं। पहला सॉफ्ट कॉपी होता है, डिस्प्ले के लिए सबसे लोकप्रिय होता है, इसे मॉनिटर को स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, साथ के साथ इसे हम वीडियो के नाम से जानते हैं। CRT मॉनिटर जो पहले हम इस्तेमाल करते थे, वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे इन द सेंस सस्ते हैं, उनपे
हमारी आंखों पर प्रभाव ज्यादा पड़ता था, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे यूजर के लिए फ्रेंडली और स्मूथ वाले मॉनिटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे ट्रेडिशनल या पुराना आउटपुट डिवाइस है, एक टीवी जैसा होता है, इसमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। इस पर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक बीम का प्रवाह होता है और उसके द्वारा स्क्रीन पर क्या बनती है? पिक्चर। अब कोई पूछे कि स्क्रीन पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे हमें आउटपुट जनरेट हो जाता है? एक और बात बताओ मुझे, जैसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करनी होती है तो हमें ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर नहीं चाहिए होता है, हमें केवल एक ब्लैक कलर ही चाहिए होता है। रीजन क्या होता है कि जो पेपर होता है, जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है। तो क्या इसमें भी कोई कागज का इस्तेमाल होता है क्या? तो आप कहेंगे जी सर होता है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? फास्फोरस। हम कहेंगे जो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पर फास्फोरस का ओवरलैप होता है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक बीम पड़ती है जिससे हमें आउटपुट जनरेट होकर मिल जाता है। ठीक है, अब देखो डायगोनल रूप से मापा जाता है, इसे विकर्ण बताया था मैंने, यही साइज मापने का तरीका होता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही रिजोल्यूशन क्या होगा? अच्छा होगा। एक मॉनिटर की स्क्रीन पर पिक्सल हॉरिजेंटल और वर्टिकली डिस्प्ले करता है, उसे इसका क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। या मैं कहूं पिक्सल की सीरीज को हम किस नाम से जान सकते हैं? रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों टेक्निकली ये प्रश्न राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, इस बुक को प्रमाणित माना गया, लेकिन अगर उसे मापने की यूनिट और इकाई कहें तो वो होती है दोस्तों डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, और इसी को हम एक और नाम से जान सकते हैं, वो कौन सा नाम होता है? पीपीआई। और पीपीआई को हम कह सकते हैं पिक्सल पर इंच। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रही है? जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप तक बात पहुंच रही है। आमतौर पर एक जो हमारा मॉनिटर होता है उस पर पिक्सल बने होते हैं, ये अनुपात होता है 4:3। कितना अनुपात होता है? 4:30 नहीं भैया, 3 होता है। ठीक है, जैसे 800 × 600, 1024 × 768, इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो 1600 × 1200। जब 800 × 600 हो सकता है तो 1600 × 1200 भी हो सकता है, ये 4:3 में होता है, इसे एस्पेक्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मैंने यहां पर आपको बात बोली थी डॉट पिच वाली, इसे पढ़ो। पिक्सल बहुत छोटे छोटे डॉट से बने होते हैं, इन्हें मिलाकर किसी इमेज को प्रदर्शित किया जाता है, यानी स्क्रीन पर जो इमेज बनती है उसका सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वो पिक्सल होता है। स्क्रीन पर डॉट के बीच की जगह को हम किस नाम से जानते हैं? डॉट पिच के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर डॉट पिच जितने क्या होंगे भैया? छोटे होंगे। छोटे होना इन द सेंस कम होंगे, उतना ही पिक्चर क्वालिटी क्या होगी दोस्तों? बेहतर, या हम कहें अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैनल, जो सीधी पैनल वाले डिस्प्ले होते हैं उन्हें हम फ्लैट पैनल बोलते हैं। इन्हें ही हम एक और नाम से जान सकते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं LCD, या जिसे हम कहते हैं LED। LCD की बात करें तो पूरा नाम लिखा हुआ है इधर, क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की बात करें तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एलईडी को पूरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं लाइट। ई का मतलब क्या होता है? एमिटिंग। और डी का मतलब क्या होता है? डायोड। तो एलईडी को हम किस नाम से जानते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। इनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला मॉनिटर होता है उसे हम LED के नाम से जानते हैं। LED में प्लाज्मा डिस्प्ले भी आता है, जैसे सुंगो पहलवान होते थे ना, वैसे ही ऐसे टीवी का एक अलग प्रकार होता है जिसे हम प्लाज्मा टीवी या प्लाज्मा डिस्प्ले का भी नाम देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं इसी कड़ी में, अब कह रहे हैं सीआरटी मॉनिटर की तुलना में फ्लैट पैनल क्या होता है? बहुत हल्का होता है। LCD में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT भी काम आती है, जो पिक्चर क्वालिटी को बेहतर बनाती है और साथ ही साथ आपके मॉनिटर की परफॉर्मेंस को बूस्टर या बेहतर प्रदर्शन करने वाली बनाती है।
एलईडी मॉनिटर मूल रूप से एलसीडी मॉनिटर है जिसमें एलईडी बैकलाइट लगा होता है जो एलईडी पैनल की रोशनी और शक्ति प्रदान करता है। अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देखने के लिए हम इस एलईडी एलसीडी का उपयोग करते हैं जो हमें एचडी क्वालिटी में डेटा आउटपुट देती है। एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, जो इमेज की और वीडियो की क्या बताता है दोस्तों, गुणवत्ता के बारे में बताता है। ठीक है, बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने मॉनिटर के बारे में साधारण जानकारियां ली जो हमारे आगे एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से पूछी जाती है या काम आती है। अब देखो, एक और इसी के जैसा डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं या जिसे हम जानते हैं प्रोजेक्टर के नाम से। प्रोजेक्टर भी आगे अगर हम बताएंगे तो प्रोजेक्टर भी आपका कैसा आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी होता है। जैसे मॉनिटर के आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्टर के आउटपुट को भी हम सॉफ्ट कॉपी नाम से जानते हैं। बात अगर समझाने वाली करें तो प्रोजेक्टर का आउटपुट किसी दीवार पर भी आ सकता है, किसी पर्दे पर भी आ सकता है, किसी सरफेस या सतह पर भी आ सकता है। जैसे आपने कभी वृंदावन जाने का काम पड़ा हो, प्रेम मंदिर में म्यूजिकल फाउंटेन चलता है, तो वहां पर क्या कोई दीवार या पर्दा लगा हुआ है कि नहीं? जैसे पानी के फवारे ऊपर आते हैं, यानी पानी पर उस प्रोजेक्टर का हमें क्या मिलता है दोस्तों, आउटपुट मिलता है। ठीक है, बात यहां तक आगे बढ़ सकता हूं? जी सर। अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में। पहला पॉइंट प्रिंटर, यानी मैं कहूं जो हमें कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है उसे प्रिंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं उसे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो प्रिंटर होता है वो स्थायी आउटपुट देता है। आमतौर पर आउटपुट कागज पर क्या होता है, प्रिंट होता है, और प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर मोटे तौर पर एक इंपैक्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो जो प्रिंटिंग करते समय क्या करता है दोस्तों, आवाज करता है, किसी चीज पर इंपैक्ट करके ऐसे वार करके प्रिंटिंग करता है, उसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इनकी गति थोड़ी इनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, इस नॉन इंपैक्ट की। अच्छा, टाइपराइटर के सिद्धांत पर काम करता है। टाइपराइटर का सिद्धांत क्या होता है, टाइपराइटर में एक अक्षर पहले से लिखा होता है और उस रिबन से टकराता है, कट कट की आवाज आती है और प्रिंटिंग का काम हो जाता है। अगर नॉन इंपैक्ट की बात करूं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक या रासायनिक तरीके से प्रिंटिंग का काम करता है। ये कलर प्रिंटर में भी काम आता है और साथ में किस में काम आता है, ब्लैक एंड व्हाइट में। प्यारे विद्यार्थियों, जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो जनरली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है। और अब हम इंपैक्ट प्रिंटर की जगह पर ज्यादातर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका प्रिंटिंग सस्ता होता है। और साथ के साथ अगर प्रिंटर की बात करूं तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, इंक। इंक यानी स्याही। दोस्तों, इंक जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गीली इंक, कौन सी होती है, गीली, और दूसरी कौन सी होती है, सूखी इंक। अच्छा, गीली और सूखी इंक का मतलब क्या हुआ कि पहले इंक कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें गीली इंक भरी होती थी। कुछ समय तक अगर आप प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं करते या प्रिंट नहीं निकालते तो वो खराब हो जाता था। आजकल जो हम प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सूखी इंक आती है। आप कुछ समय तक अगर प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं करते हो तब भी जनरली उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर बात करें तो ये दो थी, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। साथ के साथ अगर हम प्रिंटर की क्षमता के आधार पर कहें तो एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है, और साथ के साथ एक आपका पेज प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर सबसे धीमे प्रिंटर में आते हैं। इसमें एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है और एक कौन सा होता है, डेजी व्हील प्रिंटर, जो दोनों के दोनों कौन से प्रिंटर के उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर के, और साथ के साथ किसके उदाहरण है, इंपैक्ट। देखो, इसका सवाल अगर बनेगा पेपर में तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो आप कहेंगे सर इंपैक्ट है, या कहेंगे कौन सा है, कैरेक्टर। डेजी व्हील प्रिंटर कैसा है, तो आप कहेंगे इंपैक्ट है और कैरेक्टर है। प्रिंटिंग हेड होता है, वो छोटे छोटे पिन होते हैं जिसपे इंक वाला रिबन लगा होता है, जो इमेज बनाता जाता है,
आमतौर पर सबसे धीमे प्रिंटर होते हैं और आवाज यानी क्या करते हैं, शोर करते हैं। इन प्रिंटरों का इस्तेमाल बड़े व्यापारिक या व्यावसायिक कामकाज में किया जाता है, जहां 80 और 132 पेज के सतत कंटिन्यू प्रिंटिंग की जरूरत होती है। आगे बात करते हैं लाइन प्रिंटर। प्यारे विद्यार्थियों, लाइन प्रिंटर की गुणवत्ता 200 से 2000 लाइन पर मिनट होती है। इसकी गुणवत्ता लगभग 10 से 100 बस कैरेक्टर पर मिनट, इससे ज्यादा ये प्रिंटिंग नहीं करता है। कौन सी वाला? कैरेक्टर प्रिंटर वाला, ठीक है। लाइन प्रिंटर एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर चैन प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर होते हैं। इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इन प्रिंटर को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कह सकते हैं इनको हम? बैंड प्रिंटर। इनको हम कैरेक्टर प्रिंटर को एक और नाम से जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सीरियल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर कह सकते हैं? सीरियल प्रिंटर कह सकते हैं। और इन प्रिंटर को हम कौन से प्रिंटर के नाम से जान सकते हैं? इन प्रिंटर को हम पैरेलल प्रिंटर कह सकते हैं। अच्छा, साथ की साथ ये प्रिंटर में बहुत सारी पिन लगी होती है, तो जो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है उसकी तुलना में काफी तेज गति वाले प्रिंटर होते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन इंपैक्ट। आमतौर पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा तेज गति से प्रिंट करते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर की तुलना में बिना आवाज या कम आवाज वाले होते हैं। इनकी आवाज को वाइट नॉइस कहा जाता है। इनकी आवाज को कौन सी नॉइस कहा जाता है? वाइट नॉइस। इसकी आवाज मधुर होती है। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी। और कव्वे की? कड़वी। ऐसा नहीं है, ऐसी आवाज जो हमारी कानों को अच्छी लगती है, मतलब सुहानी लगती है, उसे हम कौन सी आवाज कहते हैं? वाइट नॉइस, कोयल जैसी। और जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो काऊ काऊ कौवे की तरह कर रहा है, वो गलत आवाज होती है, मीठी नहीं होती। चलिए, अब बात करते हैं इंक जेट प्रिंटर। दोस्तों, सबसे ज्यादा फेमस प्रिंटर की कैटेगरी में आता है ये इंक जेट। इंक जेट प्रिंटर ये प्रिंटिंग हेड पर स्याही की छोटी छोटी बूंदों का स्प्रे या छिड़काव द्वारा इमेज प्रिंट करता है। इंक स्याही में कई कलर्स की जुट होती है। ये अपेक्षाकृत सस्ता होता है, लेकिन इसमें प्रिंटर में यूज आने वाले कंज्यूमेबल पार्ट को हम प्रिंटर कार्टिज की संज्ञा देते हैं, और जिसमें गीली इंक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी इंक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? गीली इंक इसके अंदर डली होती है। अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। किसकी बात करते हैं? लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है। वो कैरेक्टर था, लाइन था, ये कौन सा होता है? पेज। अगर मैं कहूं कि लेजर प्रिंटर सबसे कौन सा प्रिंटर होता है दोस्तों, सबसे कौन सा प्रिंटर की कैटेगरी में आता है? तेज। और साथ की साथ कहूं अच्छा प्रिंटर जो है सबसे, वो कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। अगर कोई कहे कि अगर व्यवसाय में हम काम में ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी से प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो हम कौन से प्रिंटर का उपयोग करते हैं? इस लेजर प्रिंटर का। इसमें बताओ, गीली इंक काम आती है कि सूखी? तो आप कहेंगे सर, इसमें कैसी इंक काम आती है? सूखी इंक काम आती है। सूखी इंक को आप ऐसे कह सकते हो कि वो कैसी इंक होती है गुरुजी? पाउडर इंक होती है, ठीक है। फिर ड्रम टोनर के थ्रू घूमता है, कागज जमा हो जाता है, एक हीट के कारण कागज से जुड़ जाता है जो प्रिंटिंग का काम करता है। ज्यादातर लेजर प्रिंटर एक काला रंग के होते, परंतु अधिक लेजर प्रिंटर में एक टोनर कार्टेज वाले भाग भी होते हैं। उसमें इंक कार्टेज होते हैं। इसमें किसका किया जाता है? टोनर। इसकी जो गति होती है वो किसमें मापी जाती है? पीपीएम, पेज पर मिनट। दोस्तों, एक और प्रिंटर है, स्पेशल कैटेगरी प्रिंटर बोलते हैं, जिसे हम थर्मल प्रिंटर भी कहते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हीट एलिमेंट्स होते हैं। इसका फायदा क्या होता है? थर्मल प्रिंटर को हिंदी में अपन कहें तो कौन सा प्रिंटर बोल सकते हैं? तापीय, जो हीट एलिमेंट से किसका काम करता है? प्रिंटिंग का काम करता है। इससे जो प्रिंट होगा वो कुछ समय बाद हट जाता है। उदाहरण बताओ, अरे कभी आप रिलायंस फ्रेश गए हो क्या? हाँ। बिग बाजार गए हो क्या? हाँ। अरे कुछ खरीदारी करके लाए थे कि ऐसे ही आए? गुरु जी, खरीदारी करके लाए। बिल लेते हो क्या वहां से? हाँ सर, बिल फाड़ के देता है। अच्छा, बिल को
जैसे बिल की अगर बात करें तो बिल जो हमारा होता है उस बिल को कुछ दिन रख दो और वो ऑटोमेटिक उसका डेटा हट जाता है। अच्छा, अगर एक और बात मैं आपसे पूछूं कि क्या बिल घर ले जाके दिखाना पड़ता है किसी को? नहीं गुरुजी, हम तो किराए से रहते हैं, अभी शादी हुई नहीं है तो हम तो वहीं फेंक आते हैं। भैया शादी हो जाएगी तो घर वाली हिसाब मांगेगी, ला दिखा कितने का खर्चा किया, तो उसको दिखाना पड़ता है, तो वो संभाल के लाते हैं, बाकी फाड़ के वहीं फेंक देते हैं। एटीएम की पर्ची पे जो प्रिंट होता है वो भी ऐसा ही सीन होता है, कुछ समय बाद हट जाता है। मेरे कहने का मतलब थर्मल प्रिंटर हीट एलिमेंट पे काम करता है, ताप पर काम करता है। एटीएम मशीन हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, बस टिकट हो गई, ऐसी चीजों में हम थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर थर्मल प्रिंटर की हम साथ की साथ बात करें तो इसकी प्रिंट किया गया डेटा कुछ समय बाद हट भी जाता है। साथ की साथ दोस्तों इसकी इंक से कैंसर होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इसकी इंक हमारे हाथ में रह जाती है और वो हमें नुकसान भी पहुंचा देती है। इसलिए आप एटीएम की पर्ची का उपयोग करने के बाद उसे फाड़ के फेंक दें, हाथों में घुमाने की कोशिश ना करें। एक और प्रिंटर, टेक्निकली प्रिंटर ही प्लॉटर है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है उसे हम प्लॉटर के नाम से जानते हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए काम आता है। सिटी के जो प्लान है, बिल्डिंग के प्लान है, उन्हें प्रिंट करने के लिए आता है। आमतौर पर ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बोर्ड प्लॉटर, दो प्रकार के हम प्लॉटर का यूज करते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे अच्छा प्रिंटर लेजर प्रिंटर है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में प्लॉटर का भी नाम आ जाए और प्रिंटर का भी नाम आ जाए, उस कंडीशन में आपका आंसर प्लॉटर होगा, प्रिंटर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, अपने दिमाग में डाल लेना, याद रख लेना, मत भूलना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक और आउटपुट डिवाइस है हमारे सामने, स्पीकर। जो हमारी जो आवाज होती है, ध्वनि होती है, वो कंप्यूटर से आउटपुट देता है। एग्जाम्पल, या हम बात कहें माइक्रोफोन या माइक जो होता है वो आवाज को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है, कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है। और स्पीकर क्या करता है, जो आउटपुट हमें मिल रहा होता है 01 में, उसे ध्वनि के रूप में कन्वर्ट करता है। अगर आप स्पीकर कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हो तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं साउंड ड्राइवर। क्या कहते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? साउंड ड्राइवर नाम होता है। यानी बिना साउंड ड्राइवर आप कंप्यूटर में किसका उपयोग नहीं कर सकते? स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते। अगला, अगर बात करें मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बड़ी स्क्रीन पर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या स्कूल या कॉलेज में या सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और जिसका आउटपुट हम किसी सरफेस या सतह पर भी देख सकते हैं। अब हमें कुछ डिवाइसेस के नाम बता रहा है ये, जैसे सबसे पहले ये बोल रहा है कि ऐसे डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों में आते हैं। दोनों में आने वाला सबसे पहला क्या है? फैक्स मशीन, फैक्सीमाइल जिसे हम बोलते हैं। फैक्स मशीन क्या करती है? फैक्स भेज भी सकती है और फैक्स रिसीव भी कर सकती है। तो ऐसी मशीन जो फैक्स भेज भी सकती है, फैक्स रिसीव भी कर सकती है, इसलिए फैक्स मशीन को दोनों में शामिल किया जाता है। MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। MFD का मतलब क्या होता है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज, कोचिंग, ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर एक स्कैनर रखा होता है जो प्रिंट भी कर देता है, स्कैन भी कर देता है, फोटोकॉपी में निकालता है। कितने काम कर रहा है? एक से ज्यादा काम। एक बात बताओ, रविंद्र जडेजा है भारत का खिलाड़ी, वो बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है और फील्डिंग तो जी जान से करता है, तो बताओ वो ऑलराउंडर है। ऐसे ही ऐसी मशीन जो एक से ज्यादा काम करती है उसे हम ऑलराउंडर नहीं कहकर मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। तो MFD मशीन प्रिंटर का भी काम करती है, स्कैनर का भी काम करती है, फोटोकॉपी का भी काम करती है। आजकल ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। HP का 1005 एक प्रिंटर आता है जिसे तीनों काम हो जाता है। ठीक है मेरी बात, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, इसी कड़ी को लेके चलता हूं। मोडेम याद रखना, मोडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को कौन से सिग्नल में परिवर्तित करता है? डिजिटल में। और डिजिटल सिग्नल को कौन से सिग्नल में परिवर्तित करता है? एनालॉग में। इसलिए मोडेम को मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है।
अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको मोडेम की अति आवश्यकता पड़ेगी। बिना मोडेम आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मोडेम क्या करेगा, जो आपके एनालॉग सिग्नल होंगे उन्हें डिजिटल में बदलेगा, और डिजिटल सिग्नल को किस में बदल देगा प्यारे विद्यार्थियों, एनालॉग सिग्नल में बदल देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। तो दोस्तों, टच डिस्प्ले, टच स्क्रीन जो है, डिजिटल कैमरा जो हम लोग फोटो वगैरह खींचने का काम में लेते हैं, उस पर आजकल दोनों चीजों में इस्तेमाल लिया जाता है। चलिए, ये कुछ बातें हैं, जब आप पढ़ो तो विश्लेषण कर लेना। जॉयस्टिक का उपयोग, के लिए तीन इनपुट डिवाइस के नाम बताओ। देखो, अब आज इस सेक्शन का लगभग अंतिम दौर है इस चैप्टर का ये, लेकिन ये मेमोरी वाला पोर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें जनरल डिस्कशन दे रखा है, मैं इसके बाद आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवाऊंगा डिजिटल यानी इंटरेक्टिव पैनल के साथ, वहां पर मैं और डिटेल से एक एक चीज आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये जैसा बुक में लिखा है उतनी ही बात या उससे संबंधित कोई विचार आते हैं उन्हीं को मैं डिस्कस कर पाता हूँ, ज़्यादा लिख नहीं पाता इस पर, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ मैटर रहता है, बुक कंटेंट है, सॉफ्टवेयर है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर सकता हूँ। अगर आप कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो हम जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का नाम लेते हैं। कौन सी मेमोरी का नाम लेते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का नाम लेते हैं, लेकिन कई बार हमने रैम और रोम का भी नाम लिया है। तो रैम और रोम टेक्निकली प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। ये बुक बोल रही है कि हम स्टोरेज करने के लिए परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं और अस्थाई भी कर सकते हैं। तो एक बात मैं बता दूं आपको, जो भी अस्थाई मेमोरी होती है वो बनी होगी अर्धचालक। किसकी बनी होगी? अर्धचालक एक होता है सिलिकॉन और दूसरा कौन सा होता है? जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं। अर्धचालक का मतलब क्या होता है? जब तक उसे हीट किया जाता है, एनर्जी दी जाती है, पावर दी जाती है, तब तक तो उसमें डेटा सेव रहता है। जैसे ही पावर बंद किया जाएगा तो डेटा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी अर्धचालक से जो बनी मेमोरी होगी वो निश्चित रूप से अस्थाई मेमोरी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें पावर ऑफ होगा तो सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन यानी डेटा आपका हट जाएगा, डेटा आप उपयोग में नहीं ले पाओगे। ठीक है मेरी बात? थोड़ा आगे बढ़ू। यस सर। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात ठीक है, अर्धचालक की बात ठीक है, जो स्थाई मेमोरी होती है वो किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे जो स्थाई मेमोरी होती है उस पर आयरन ऑक्साइड लगा होता है। क्या लगा होता है उस पर? आयरन ऑक्साइड लगा होता है, या हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, चुंबकीय ऑक्साइड लगा होता है। तो मेरा बताना या समझाना यह है कि अस्थाई मेमोरी जो डेटा को संग्रहित करती है वो अर्धचालक की बनी होती है, और जो स्थाई डेटा को संग्रहित करती है वो आपके आयरन ऑक्साइड के ओवरलैप से बनी होती है। दोस्तों, अब हम कहें कि हमारे पास जो भी डेटा है उसे जनरली तो याद रखना असंभव होता है, उसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए, अपने पास स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्टोरेज है जहां डेटा और इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है जिसे प्रोसेस कर सकते हैं। तीन प्रकार की मेमोरी होती है, पहला कैश मेमोरी, दूसरी प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा कौन सा? सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, अगर यहां से एक प्रश्न पूछा जाए कि सबसे तेज मेमोरी का नाम बताओ तो आप कैश बता देंगे, लेकिन दोस्तों इस बुक में एक और नाम नहीं लिखा है, मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं। एक और मेमोरी होती है जिसे हम रजिस्टर मेमोरी का नाम देते हैं। आप तीन प्रकार की मेमोरी ना मानकर चार प्रकार की मान लीजिए। पहला है रजिस्टर मेमोरी, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा है प्राइमरी मेमोरी, और चौथा कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी। दोस्तों, अगर सवाल बने, प्रश्न बने और पूछा जाए कि सबसे तेज मेमोरी का नाम बताओ, तो आप कहेंगे सर सबसे तेज जो मेमोरी होती है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद कौन सी मेमोरी आती है दोस्तों? उसके बाद आती है कैच। उसके बाद कौन सी आती है? प्राइमरी आती है दोस्तों। उसके बाद कौन सी आती है? तो आप कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी आती है। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर, और सबसे धीमी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी। अच्छा, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी। और सबसे छोटी कौन सी होती है? रजिस्टर। इससे एक और बात हम लोगों को समझ आती है, क्या?
कि जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गति क्या होती जाएगी दोस्तों, कम होती जाएगी, क्योंकि साइज और गति एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होती है, साइज और गति एक दूसरे के क्या होती है, पूरक होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक और जनरल सी बात इसमें लिखी है जिसे हम पढ़ते हैं। कैश मेमोरी बहुत उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, अर्धचालक मेमोरी होती है, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ा देती है, दोनों की गति को मैनेज करने का काम करती है। डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू को बार बार क्या होता है, आवश्यक होता है। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ज्यादातर इस्तेमाल करने वाली इंफॉर्मेशन कौन सी मेमोरी में रखी जाती है, तो कैश मेमोरी में। इस कैश मेमोरी का दूसरा नाम होता है मित्रों बफर मेमोरी, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार डेटा की आवश्यकता होगी वो कैश में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उन्हें सीपीयू यानी प्रोसेसर तुरंत क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में लो एक्सेस टाइम यानी तेज होती, एक्सेस टाइम कम होगा तो वो तेज मेमोरी होगी। कैश मेमोरी अस्थाई टेम्परेरी यूज में डेटा स्टोर करती है। कैश मेमोरी प्रोग्राम स्टोर सोर डायरेक्शन के लिए संग्रहित किया जाता है। एक और बात याद रखना, कैश मेमोरी आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। कैश मेमोरी आपकी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। आगे बढ़ रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात करूंगा। कैश मेमोरी का लाभ यह है कि मुख्य मेमोरी से क्या होती है, तेज होती है। ये जो आपको दिखाई दे रखी है, यहां पर दिख रही है, इसे हम कैश मेमोरी का नाम देते हैं, आप चित्र देखकर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में केवल उन डेटा और निर्देशों को जमा या स्टोर रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कहने का मतलब सूचनाएं परमानेंट स्टोर रहती है कौन सी मेमोरी में दोस्तों, सेकेंडरी में, और जब भी वो रन होती है तो कौन सी मेमोरी में उन्हें आना होता है, रैम में आना कंपलसरी होता है। इस बात को याद रखना कि सूचनाएं या प्रोग्राम रन कौन सी मेमोरी में होंगे, आपको कौन सी मेमोरी में सेव होंगे, रैम में रहेंगे, और परमानेंट कौन सी मेमोरी में सेव रहते हैं दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहते हैं। क्या कह रहा है, प्राइमरी मेमोरी में उन डेटा और निर्देशों को स्टोर या जमा रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब पावर बंद हो जाती है तब डेटा क्या हो जाता है, हट जाता है। आमतौर पर यह मेमोरी अर्धचालक की बनी होती है, इसका मतलब होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम पर आधारित ट्रांजिस्टर पर बनी होती है। रैम एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी मुख्य मेमोरी के दो उदाहरण है। दो प्रकार की मुख्य मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी। रैम में डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं। रोम में हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उससे डेटा को ना तो हम चेंजेस कर सकते हैं और ना ही हम उसे हटा सकते हैं। इसका एक प्रकार होता है प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें हम डेटा को एक बार लिख भी सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम सूचनाओं को लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। एक और इसी में होता है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मुख्य मेमोरी की कुछ हमें विशेषता बताई जा रही है। यह मेमोरी वर्तमान यह वह मेमोरी है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य करता है। इसकी गति स्पीड मुख्य मेमोरी से क्या होती है, तेज होती है। कंप्यूटर एक प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता, रैम हमें चाहिए ही चाहिएगी। कंप्यूटर में डेटा को रीड करने, राइट करने, और रीड और राइट दोनों की परमिशन इसमें होती है। इसे कंप्यूटर की मेमोरी भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि सीपीयू की मेमोरी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर रैम को हम सीपीयू की मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें उपयोगकर्ता यूजर रीडिंग के साथ इंफॉर्मेशन को राइट भी कर सकता है। अब इंफॉर्मेशन अगर
मैं कहूं रैम से हार्ड डिस्क में जाना, यानी सेकेंडरी मेमोरी में जाना, इधर से सूचना इधर भी आ सकती है, इधर से सूचना इधर भी जा सकती है। रैम से सूचना हार्ड डिस्क में जाना हमारी भाषा में राइट करना कहलाता है, और हार्ड डिस्क से रैम में आना रीड करना, या वो कहलाता है फेच करना। ठीक है मेरी बात? चलिए, लोकेशन को निर्देश करने के बाद उसमें डेटा क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है आप कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, यहां से पढ़ा, फिर यहां पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। दो प्रकार की रैम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहला होता है स्टैटिक रैम और दूसरा कौन सा होता है, डायनेमिक रैम। एस रैम को स्टैटिक रैम के नाम से जाना जाता है और डी रैम को डायनेमिक रैम का नेम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी और बात करें जो जनरली पेपर में पूछा जाता है, डी रैम एस रैम से भिन्न है, डी रैम एस रैम पर भिन्न है, डिफरेंट है। डी रैम को एस रैम को अगर हम कंपेयर करें तो दो प्रश्न इनके बनते हैं। एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटो रिफ्रेश होती है, और डी रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना होता है। एस रैम डी रैम से तेज होती है, एस रैम आपकी ऑटो रिफ्रेश होती है और इसे अपन को रिफ्रेश करना होता है, और कॉस्ट लागत भी क्या होती है, ज्यादा। एस रैम सामान्यतः सीपीयू कैश के लिए उपयोगी होती है और डी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपयोगी होती है। एक होता है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम, किसी भी मेमोरी स्थान की लोकेशन पर पहुंचाया जाता है, ये 256 बाइट को स्टोर करती है। एस डी रैम सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लॉक रेट पर काम करने वाली मेमोरी होती है। DDR डबल डेटा रेट रैंडम सॉरी डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ट्रांसमिशन क्लॉक दोनों के किनारों पर कार्य करता है, उपयोग लेता है। अब हम बात करें रोम की, किसकी बात कर रहे हैं, रोम मतलब हुआ रीड ओनली मेमोरी। अगर रीड ओनली मेमोरी की बात करें, यानी रोम की हम बात करें, तो रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, रीड ओनली में केवल सूचनाओं को पढ़ सकते हैं। इसमें जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण जानकारियां होती है उन्हें संग्रहित किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़कर एक बात और बताऊं, रोम जो होती है इसमें बूटिंग से संबंधित जानकारी रखी होती है। किससे संबंधित जानकारी रखी होती है, बूटिंग से, और जो इसमें जानकारी रखी होती है उसे हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके समय लिख दी जाती है, निर्माण के समय लिख दी जाती है। कंप्यूटर स्टार्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। दो प्रकार की बूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक तो होती है कोल्ड बूट, कौन सी होती है, कोल्ड, और एक होती है वार्म बूट। कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, और रीस्टार्ट करना आपका वार्म बूट या रीबूट कहलाता है। इसमें जो डेटा एक बार संग्रहित हो गया उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोम की बात, रैम में हम उस डेटा को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसका एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम की खास बात होती है इसमें एक बार हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। एक होता है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें सूचनाओं को अल्ट्रा वोयलेट यानी पराबैंगनी किरणों से हटाया जाता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो रीड भी की जा सकती है, राइट भी की जा सकती है, और इरेज भी की जा सकती है, तीनों के तीनों काम हम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होती है फ्लैश मेमोरी, जो रैम की तरह भी काम कर सकती है और रोम की तरह भी काम कर सकती है। यह मेमोरी
में जो डेटा होता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मिटाया जाता है। इस फ्लैश मेमोरी को हम एक और नाम से जान सकते हैं, डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। आगे अब हम इसका सबसे अंतिम चरण और महत्वपूर्ण पॉइंट, हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक हमने जितनी भी मेमोरी पढ़ी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो डेटा को कैसे संग्रहित करके रखती थी, अस्थायी रूप से ही संग्रहित करके रखती थी। लेकिन अब जिसके बारे में आप और हम बात कर रहे हैं, वो आपके डेटा को कैसे संग्रहित करके रखेगी दोस्तों, परमानेंट संग्रहित करके रखेगी। परमानेंट संग्रहित करने का मतलब हुआ कि आप उस डेटा को कभी भी काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम समझें कि जो स्थायी मेमोरी होती है उसमें परमानेंट रहता है यानी सेकेंडरी मेमोरी में, और जो प्राइमरी मेमोरी और कैश पड़ी थी उसमें अस्थायी रहता है, वो आपकी अर्धचालक से बनी मेमोरी थी, उन्हें हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका आयरन ऑक्साइड के ओवरलैप से बनी होती है, इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप से भी जानते हैं। ये उनकी तुलना में धीमी मेमोरी होती है। इसका उपयोग स्थायी डेटा या इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए किया जाता है, सीपीयू से सीधे उपयोग नहीं करती है, ये इनपुट आउटपुट रूट के थ्रू एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट को पहले मुख्य मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, इसके बाद ही सीपीयू उसका उपयोग कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मेमोरी होती है जो बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग में ली जाती है। बिजली या पावर बंद होने के बाद भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, बड़े और भारी भरकम डेटा को कम लागत में संग्रहित किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की हो गई, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ, एक मैग्नेटिक टेप आता था पहले, उसमें अगर 1, 2, 3 गाने हैं तो आपको पहले पहला ही गाना सुनना होता था, फिर दूसरे का नंबर आता, फिर तीसरा कर सकते थे, उसे हम सिक्वेंशियल एक्सेस का नाम देते हैं, या उसे हम किसका नाम दे सकते हैं, क्रमिक एक्सेस का। डायरेक्ट एक्सेस में हम डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क का जिक्र आया, ऑप्टिकल डिस्क का आया, और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि मेरा कौन सा ड्राइव है प्यारे विद्यार्थियों, पेन ड्राइव है। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जानते हैं, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू और डीवीडी, ये आपके कौन से डिस्क होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। सबसे पहले आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, हार्ड डिस्क। स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है ना, उसमें सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम लोग हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल करते हैं। जनरल बात बताऊं, समझाने वाली बात बताऊं, तो आजकल पीसी में सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क का ही हम उपयोग करते हैं। हार्ड डिस्क दो प्रकार की रखते हैं, एक इंटरनल जो सीपीयू के अंदर लगी होती है, एक एक्सटर्नल जो हम बाहर से भी डेटा को इधर उधर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसमें डेटा को ऐसे संग्रहित करने के लिए गोल गोल क्या बने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैक बने होते हैं। इन ट्रैक को आगे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया जाता है, उन हिस्सों को हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। पूरा जो गोल हिस्सा दिख रहा है, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है इधर वाला, ये पूरा, ये आपका एक ट्रैक है, और इसके जो हिस्से दिख रहे हैं, ये जो मैंने अलग अलग बनाए हैं, इन हिस्सों को हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। कुछ कह रहा है, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए क्या बताना चाह रहा है। यह एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा भंडारण या डिजिटल इंफॉर्मेशन संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तेजी से घूमती हुई डिस्क होती है, लगभग कितने राउंड, 3600 राउंड प्रति मिनट लगाती है, जिसे घूमता रहता है। इसमें मूविंग पार्ट होते हैं, डेटा को एक्सेस करने का काम करती है। अलग अलग साइज की हार्ड डिस्क हमें उपलब्ध होती रहती है। दोस्तों कई बार पूछ लेते हैं कि हार्ड डिस्क में जो ट्रैक होता है उनकी संख्या क्या फिक्स होती है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ट्रैक की संख्या साइज के अनुसार अलग अलग होती है। देखो अगर कुल ट्रैक 400 है तो सबसे अंदर वाले ट्रैक का नंबर 399 होगा और सबसे बाहर वाले ट्रैक का नंबर क्या होगा, 0।
प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको समझाऊं और बताऊं तो हार्ड डिस्क जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें साइज के अनुसार ट्रैक और सेक्टर की संख्या अलग अलग होती है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्षमता टीबी, जीबी, एमबी, केबी अलग अलग की होती है, लेकिन इसमें हम आजकल 3 TB, 4 TB, 5 TB ऐसे अलग अलग क्षमता वाली हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, जो सीडी और डीवीडी हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ऑप्टिकल डिस्क की संख्या देते हैं, जो अलग अलग लेयर में हमें उपलब्ध मिलती है, जिसमें हम डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। देखो, सीडी रोम में हम केवल डेटा को पढ़ सकते हैं, हटा नहीं सकते। इसमें डेटा को हम एक बार राइट कर सकते हैं, इसमें एक से अधिक बार रीड और राइट कर सकते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, रोम डिस्क रिकॉर्डेबल डिस्क, यानी इसमें हम एक से अधिक बार रीड और राइट कर सकते हैं। ये बात हमारी हो गई, इसमें एक ही बार हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी CDR रिकॉर्डिंग ड्राइव है, जिसके माध्यम से डिस्क में एक बार डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर। इसमें कौन सी बीम का उपयोग किया जाता है, लेजर। इसकी सरफेस पर गड्ढे या पिट्स बनाकर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जिस जगह पर लिखा जाता है उस जगह को पिट्स कहते हैं, और जो जगह खाली छोड़ी जाती है उस जगह को हम लेंस के नाम से जानते हैं। इसमें डेटा ऐसे स्पाइरल रूप से क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। इसमें इरेज भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं, RW के अंदर दोनों तीनों काम कर सकते हैं। अब DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो चीजें इसके साथ जुड़ी होती है वही इस DVD के साथ होती है। BRD, ब्लू रे डिस्क, इन दोनों से स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा वाली आती है। इसकी भंडारण क्षमता 50 GB से 500 GB तक डेटा स्टोर करने की होती है। आजकल इसके आगे का एक और वर्जन काम आता है दोस्तों, जिसे HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कहे कि सबसे छोटा स्टोरेज ऑप्टिकल बताओ तो आप कहेंगे CD, उससे आगे वाला कौन सा बताओगे DVD, इससे आगे वाला कौन सा बताओगे BRD, और उससे आगे वाला कौन सा बताओगे HVD। तो सबसे छोटा ऑप्टिकल कौन सा है, CD। सबसे बड़ा ऑप्टिकल कौन सा है, तो आप कहेंगे HVD। अगर किसी ऑप्शन में HVD का नाम नहीं आता है तो आप किसका जिक्र करेंगे, किसका नाम लेंगे, आप कहेंगे सर कि हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है, BRD है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रही है। पेन ड्राइव की बात करें, पेन ड्राइव USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में जुड़ता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से डेटा क्या करने के लिए, ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके लिए, या हम डेटा का क्या लेना चाहते हैं, बैकअप लेना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव। देखो, पहले USB 1.0 आता था, फिर 2.0 आया, और अब कौन सा आ रहा है, USB 3.0 आ रहा है, और ये आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे तेज है। ठीक है, USB 3.0 का जो वर्जन है वो सबसे तेज डिवाइस है। स्टोरेज मीडिया कार्ड यानी SD कार्ड, S का मतलब होता है सिक्योर और D का मतलब होता है डिजिटल। SD कार्ड को हम बोलते हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड। मोबाइल फोन में भी हम लगा के रखते हैं और कैमरे में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नीचे लिखा हुआ आ रहा है सिक्योर डिजिटल कार्ड, इसे स्मार्ट मीडिया कार्ड भी कहते हैं। मिनी SD कार्ड स्मार्टफोन में काम आता है। माइक्रो SD कार्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कैमरे के साथ जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम सेकेंडरी मेमोरी तक की बात कर चुके हैं, यानी कंप्यूटर का जो हमारा परिचय है उसके बाद उसके बारे में जानकारी भी हमने या उपयोग भी हमने देख ली है। दोस्तों, अब इस समय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है, नया जो संस्करण है, वो है विंडोज 10। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, विंडोज 10 में कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, सिस्टम के बारे में जानकारी रखना, इसके बारे में यहाँ थोड़ा दे रखा है, ये प्रैक्टिकल काम है। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में प्रैक्टिकल करके अच्छे से बताएंगे।
बस इस सेक्शन में अब इतनी ही बात हम कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये क्या बताना चाह रहा है वो आप देख लो कि आप इस माइक दिस पीसी पर राइट क्लिक कर दो। जैसे ही प्रॉपर्टीज पर जाओगे तो सिस्टम के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन शो होगी। पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब कि हमारा सिस्टम कितने GB रैम रखने वाला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है, डिस्प्ले में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर जानकारी देता है। देखो यहाँ पर नाम आ रहा है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है, 4 GB रैम है, i3 है, 7th जनरेशन है, अब 2.3 GHz का प्रोसेसर है, ये सब जानकारी यहाँ पर दे रहा है। डिस्प्ले के बारे में जाओ यहाँ डिस्प्ले की जानकारी दे देगा, साउंड पर जाओ यहाँ पर साउंड की जानकारी दे देगा, ऑप्शन यानी नोटिफिकेशन पर जाओ आपको और नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी भी दे देगा। दोस्तों ये जो कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, पहले जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे वो सभी की सभी सिस्टम किस पर काम करते थे, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर काम करते थे। अभी सारे सिस्टम किस पर काम करते हैं, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो, इसमें भी कमांड पर काम कर सकते हो। इसके लिए स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोजना है, या आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, रन पर जाकर क्या टाइप कर दो CMD, उसके बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। ये जो जानकारी इसमें दे रखी है यहाँ अधूरी जानकारी ही बन पाएगी, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये दूसरा चैप्टर भी यहाँ मैं फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। इसके भी 6, 7, 8 प्रश्न हमें दे रखे हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है प्यारे विद्यार्थियों, इंपैक्ट प्रिंटर है। इनमें से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, ये मैंने बता दिया कौन सी को करना होता है हमें, डायनेमिको स्टैटिक तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती है। रैम में अधिकाधिक उपयोग की जाने वाली सूचनाओं या जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सी मेमोरी बोलते हैं, बफर मेमोरी की। एक ऑप्टिकल डिवाइस जो कागज पर पेन या पेंसिल से लिखी हुई जानकारी बता देता है, इसे हम OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट की जांच करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। वोलेटाइल अस्थाई, अस्थाई कौन सी है, और रैम है, बाकी ये तीनों की तीनों आपकी परमानेंट मेमोरी में शामिल होती है। कंप्यूटर के संयोजन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा टोनर ड्राई इंक पाउडर इंक का उपयोग करता है, मैंने बताया था आपको कि पहले जितने भी प्रिंटर्स का हम जनरली इस्तेमाल करते थे वो आपके लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते थे, लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज लगा होता है जो ड्राई इंक का उपयोग करता है। थर्मल प्रिंटर में इंक होती ही नहीं है, उस कागज में इंक होती है जिसे हीट या टेम्परेचर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, मेमोरी की क्षमता, हार्ड डिस्क का स्पेसिफिकेशन और CPU स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि भाई आप 1 TB हार्ड डिस्क है और रैम 1 GB है, या प्रोसेसर i9 है और आपने रैम 512 MB लगा रखी, तो ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार का प्रोसेसर रख रहे हो, जिस प्रकार की रैम रख रहे हो, उसी प्रकार से आपको उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन रखना होगा। लास्ट प्रश्न दोस्तों इस सेक्शन का, DPI का पूरा नाम होता है, डॉट पर इंच होता है, ठीक है मेरी बात। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर भी प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट हो गया। मैं आपका मित्र प्रभात वालिया यहाँ आपसे अनुमति लेता हूँ। दोस्तों आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एकलव्य कंप्यूटर जयपुर में आकर अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमें बताइए कि किस प्रकार से हम इस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरे लिए इस प्रकार की टीचिंग का ये पहला अनुभव है और इस अनुभव को आप लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये जो NCERT का पैटर्न रहेगा, किताबें जो आती रहेगी, उनको अपन इस प्रकार से डिस्कशन करते रहेंगे। उम्मीद है कि आज का सेक्शन आप लोगों के लिए लाभदायक है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपका मित्र प्रभात वालिया आज के इस सेक्शन में आपसे इतनी ही बात करूंगा। धन्यवाद, आभार।